दोस्तों जुलाई का महीना पूरा बीत चुका है और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो जुलाई के पूरे महीने में सबसे ज्यादा बिकी हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। 25th पोजीशन पर आई है किया करेंस, एक MUV है, 5978 यूनिट्स बिके हैं। एक यूनिट का मतलब एक कार होता है, तो 5978 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। किया करेंस की एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 9,59,000 रुपए से और 17,70,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद है 24th पर मारुति सुजुकी इग्निस, 6,130 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। मारुति सुजुकी इग्निस में काफी समय से कोई बड़े अपडेट नहीं किए गए हैं, ऐसे ही बिक रही है और अच्छा बिक रही है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 5,17,000 रुपए से और 7,70,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर टाटा की हैचबैक अल्ट्रॉस, एक प्रीमियम हैचबैक है, 6,159 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। 6,29,000 रुपए से इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है और 10,25,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद है 22 पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700, 6,277 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। एक तगड़ा वेटिंग पीरियड इस पर चल रहा है। करंट एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 13,18,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 24,58,000 रुपए तक जाती है। दोस्तों टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में वही गाड़ियां आती हैं जो सबसे ज्यादा बिकती हैं। अगर आपकी कोई फेवरेट कार इस लिस्ट में नहीं आ पाई है तो वो हो सकता है टॉप सेलिंग हैचबैक में आपको मिल जाए, या टॉप सेलिंग सेडान में मिल जाए, या टॉप सेलिंग SUVs में देखने को मिल जाए। तो हम सेपरेट वीडियो भी लेकर के आएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट कार का नाम जरूर से लिख दें। 21st पोजीशन पर टोयोटा अर्बन क्रूजर, एक सब 4 मीटर SUV है, 6,724 यूनिट्स बिके हैं। जब तक सेम मॉडल की विटारा ब्रेजा मार्केट में बिक रही थी तब तक इसकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं थी, और अब तेजी से इसकी सेल्स बढ़ गई है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 9,02,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 11,73,000 रुपए तक जाती है। 20th पोजीशन पर मारुति सुजुकी सेलेरियो, 6,854 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। मारुति सुजुकी की तरफ से एक हैचबैक है जिसको कुछ महीने पहले ही रीडिजाइन करके लॉन्च किया गया है, अच्छा बिक रही है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 5,23,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 7,00,000 रुपए तक जाती है। 19th पोजीशन पर है ह्युंडई की i20, 6,873 यूनिट्स बिकी हैं। ये भी एक प्रीमियम हैचबैक है। करंट एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 7,03,000 रुपए से और 11,53,000 रुपए तक जाती है। 18 पोजीशन पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसके 6,900 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत में। इनोवा क्रिस्टा की एक्शोरूम प्राइस 17,86,000 रुपए से शुरू होकर के 26,53,000 रुपए तक जाती है। 17 पोजीशन पर किया सोनेट, सब 4 मीटर SUV है, 7,215 यूनिट्स बिके हैं। किया सोनेट की एक्शोरूम प्राइस 7,49,000 रुपए से शुरू होती है और 13,89,000 रुपए तक जाती है। हाल ही में इसमें कुछ अपडेट्स किए गए हैं। 16 पोजीशन पर महिंद्रा बुलेरो और बुलेरो नियो, जिनकी 7,917 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत में। महिंद्रा बुलेरो की एक्शोरूम प्राइस 9,31,000 रुपए से शुरू होकर के 10,24,000 रुपए तक जाती है और बुलेरो नियो की 9,29,000 रुपए से शुरू होकर के 11,78,000 रुपए तक जाती है। 15 पोजीशन पर किया सेल्टॉस, जिसके 8,541 यूनिट्स बिके हैं। किया सेल्टॉस में अभी हाल ही में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं और इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होगी 10,49,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 18,65,000 रुपए तक जाएगी। 14 पोजीशन पर मारुति सुजुकी ऑल्टो, एक एंट्री लेवल हैचबैक है, 9,065 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। एक्शोरूम प्राइस 4,08,000 रुपए से शुरू होकर के 5,02,000 रुपए तक जाती है। हो सकता है इसको अब बंद कर दिया जाए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी ऑल्टो को लॉन्च किए जाने की तैयारी है। कई बार उसकी इमेजेस सामने आ गई है, वो काफी हद तक नई वाली सेलेरियो से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ मॉडर्न डे फीचर्स भी उसमें मिलने की उम्मीद है और प्राइस भी स्लाइटली बढ़ा दिए जाएंगे। 13 पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा, एक MUV है जिसके 9,694 यूनिट्स बिके हैं। अर्टिगा की एक्शोरूम प्राइस 8,35,000 रुपए से शुरू होकर के 12,79,000 रुपए तक जाती है। 12 पोजीशन पर मारुति सुजुकी ब्रेजा, 9,709 यूनिट्स बिके हैं इसके पूरे भारत के अंदर। नई ब्रेजा को भारत में लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पर इसकी जो जानकारियाँ हैं वो सभी निकल करके सामने आ गई हैं और इसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर और माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे रही है। 8,00,000 रुपए से एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है और 13,96,000 रुपए तक जाती है। 11 पोजीशन पर ह्युंडई की ग्रैंड आई टेनियोस, 10,000 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई के महीने में।
ह्यूंडई की ग्रैंडेड एंड न्योज में भी हाल ही में कुछ अपडेट किए गए थे और अब इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 5,39,000 रुपये से शुरू होती है और 8,46,000 रुपये तक जाती है। टॉप एंड वेरिएंट के साथ हाल ही में सीएनजी को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। 10th पोजीशन पर टाटा पंच। टाटा पंच के 11,007 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। 5,93,000 रुपये से इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है। कई सारे मॉडल्स और कई सारे वेरिएंट्स इसमें आपको मिल जाते हैं और टॉप एंड वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 9,49,000 रुपये तक जाती है। ये फिलहाल केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आ रही है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। 11,268 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। अभी हाल ही में इसमें कई बड़े अपडेट किए गए हैं, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है। अब जो करंट एक्शोरूम प्राइस है वो 4,25,000 रुपये से शुरू होकर के 5,99,000 रुपये तक जाएगी। 8th पोजीशन पर ह्यूंडई की वेन्यू। 12,000 यूनिट बिके हैं जुलाई 2022 में पूरे भारत के अंदर। करंट एक्शोरूम प्राइस 7,53,000 रुपये से शुरू होकर के 12,72,000 रुपये तक जाती है। 7th पोजीशन पर ह्यूंडई की क्रेटा एक मिड साइज एसयूवी है। 12,625 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 10,44,000 रुपये से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 18,18,000 रुपये तक जाती है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी ईको एक वैन सेगमेंट की गाड़ी है। 13,048 यूनिट बिके हैं इसके जुलाई के महीने में पूरे भारत में। लिमिटेड वेरिएंट्स इसके आते हैं, एम्बुलेंस में आप इसको ज़्यादातर देखते होंगे। इसकी जो एक्शोरूम प्राइस है वो 4,63,000 रुपये से शुरू होकर के 5,94,000 रुपये तक जाती है। गाँव देहात में लोग उसको पर्सनली लेने के बाद भी टैक्सी जैसा ही चलाते हैं। 5th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर। 13,747 यूनिट बिके हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत में। एक सेडान है मारुति की तरफ से जिसकी एक्शोरूम प्राइस 6,23,000 रुपये से शुरू होकर के 9,17,000 रुपये तक जाती है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। 14,214 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में। लास्ट मंथ इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है और अभी भी इसकी यूनिट्स हैं जो इसकी सेल्स है वो उतनी ही है जितनी लास्ट मंथ थी, यानी कि काफ़ी डिसेंट सेल हो रही है टाटा नेक्सॉन की। और साथ ही साथ अभी भी नंबर 1 SUV बनी हुई है टॉप सेलिंग मार्केट में जुलाई के महीने में भी। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 7,59,000 रुपये से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 13,95,000 रुपये तक। 3rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है। 17,539 यूनिट्स बिके हैं। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 5,91,000 रुपये से और 8,84,000 रुपये तक जाती है। अगले साल को इसमें भी बड़े अपडेट देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके बाद है मारुति सुजुकी बलेनो। साल की शुरुआत में ही बड़े अपडेट्स इसमें आपको देखने को मिले। 17,960 यूनिट्स बिके हैं जुलाई के महीने में। ऑन रोड प्रेजेंस भी इसकी काफ़ी रिसेंट है। 6,42,000 रुपये से इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है और 9,60,000 रुपये तक जाती है। नंबर 1 है मारुति सुजुकी वैगनार। पता नहीं कितने महीनों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर ये बनी हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही इसमें बड़े अपडेट दिए गए और नए कलर्स भी ऐड किए गए। 22,588 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। मारुति सुजुकी वैगनार की करंट एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 5,47,000 रुपये से और 7,19,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद हम सेगमेंट वाइज बेस्ट सेलिंग कार्स आपके लिए लेकर के आएंगे, जैसे कि टॉप सेलिंग हैचबैक्स, टॉप सेलिंग सेडान, टॉप सेलिंग SUVs। इससे पहले टॉप सेलिंग ब्रांड्स कौन से रहे, उन्होंने कितनी यूनिट्स बेची हैं, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। इसके अलावा सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की जानकारी भी आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।